हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में बात होने वाली है जी जस्टिस गैंग के फेवरेट गिराक ज्ञान के संजू सैमसन की। तो आज से शुरू होने वाला है जी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज का पहला मैच। आज टीम इंडिया और बांग्लादेश ग्वालियर के मैदान पर आमने सामने होंगी और आज ही ये फैसला हो जाएगा कि क्या संजू सैमसन टीम इंडिया के परमानेंट ओपनर बनेंगे, परमानेंट विकेट कीपर बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि तो इन तीन मैचेस में इंडिया ने सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट ओपनर सेलेक्ट किया है जो कि है अभिषेक शर्मा, और वो लेफ्ट हैंडेड है और उनके साथ में ओपनिंग की ड्यूटीज़ करने वाले हैं जी संजू सैमसन। अब क्योंकि ये ड्यूटी संजू सैमसन करने वाले हैं, इसका मतलब कि इससे इतनी बात तो तय हो चुकी है कि टीम मैनेजमेंट फाइनली संजू सैमसन को तीन पूरे गेम देगी एज अ ओपनर खुद को प्रूफ करने के लिए। लेकिन बात ये भी फैक्ट है कि संजू सैमसन की हिस्ट्री रही है कि वो उम्मीद जगाकर खुद सो जाते हैं, इसलिए क्या वो इन परफॉर्मेंस के साथ जस्टिस कर पाएंगे। हालांकि जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मेरी टीम पीछे से सिग्नल दे रही है कि मैच आज नहीं कल है, तो सॉरी फॉर दैट। मैं बिल्कुल रॉ चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं वो टेक हटाऊंगा नहीं, आपको वही आएगा। तो ये मैच आज नहीं कल खेला जाने वाला है, इसीलिए अब कल संजू सैमसन के लिए अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। वैसे तो इस सीरीज की कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं क्योंकि मेन प्लेयर सारे रेस्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश आने से पहले ही पता है कि हार जाएगी और इंडिया ये मैच जीत चुकी है। वापस से हम हमारी वो जो ट्रॉफी पेटीएम ट्रॉफी नहीं आजकल क्या बोलते हैं उस IDFC फर्स्ट बैंक ट्रॉफी जो है वो जीतने ही वाले हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है सिर्फ संजू सैमसन के लिए। अब संजू सैमसन को फाइनली तीन मैचेस का पूरा रन मिलेगा। इससे पहले कि 9 सालों में 30 T20 अगर कोई खेला है तो वो यही बोलेगा कि यार मुझे मौके दिए कब है कि मैं उसमें परफॉर्म करूँ। इसलिए अब ये तीन मौके मिल रहे हैं, ये पहली बार उनको एज अ ओपनर विकेट कीपर फर्स्ट चॉइस कंसिडर किया जा रहा है और ये पहली बार ही नहीं आखिरी बार ही है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल अपने ओपनिंग स्लॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है और पंत भैया और ईशान किशन भी विकेट कीपर स्पॉट के लिए मारामारी करेंगे, ये बात भी तय है। तो ऐसे में संजू सैमसन वापस से पैकिंग ऑर्डर में नीचे जा सकते हैं, लेकिन 60 गेंदें मिलेंगी बॉस। 60 बॉल में अगर कुछ इम्पैक्ट डाल दिया तो फिर डाल दिया, फिर एक इनिंग्स ढंग की आप खेल लो, आपको मोमेंटम मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और फिर संजू सैमसन की जगह कोई नहीं छीनने वाला। अब देखो जैसा परफॉर्म किया वो केरला के लिए और राजस्थान रॉयल्स के लिए करते हैं, वैसा टीम इंडिया के लिए कर पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलूं तो मुझे यही लगता है कि फिर से वही जो मैंने पहले बोला था, उम्मीद जगाएंगे और खुद सोचाएंगे, एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट 30, बेस्ट 20 और उसके बाद में फिर वही हवा में रैश शॉट और संजू सैमसन वापस पवेलियन। यही कहानी रहने वाली है, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद संजू सैमसन से अब है नहीं। बिकॉज यार टीम मैनेजमेंट ने अगर उन्हें मौके नहीं दिए तो जितने दिए हैं उसमें संजू सैमसन ने भी कुछ दरवाज़ा तोड़ परफॉर्मेंस नहीं कर दिया है। आपको अगर मौके मिलते हैं तो उसमें आपको ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि सामने वाले बंदे को प्रेशर मिले। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सरफराज का, सरफराज को और ध्रुव जुरेल को भी दोनों को साथ में जोड़ते हैं, सरफराज और जुरेल दोनों को मौके मिले, दोनों ने उसे पूरी तरह से भुनाए, तो अब ऋषभ पंत और KL राहुल पे प्रेशर है कि भैया पीछे से लोग हैं। वैसे ही अगर संजू सैमसन मौके भुनाएंगे तो प्रेशर रहेगा, लेकिन अब तक 9 सालों में संजू सैमसन ये काम कतई कर नहीं पाए कि वो इंडिया के परमानेंट विकेट कीपर को प्रेशर फील करवा सकें। लेकिन अब क्या करवा पाएंगे हम जानेंगे यार, ये तो फ्यूचर के साथ ही। बाकी आप लोग कीजिए तब तक इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।